and we hope you all will enjoy the program as well as gain some knowledge. So without further ado, we shall start our program. Before we start, I'm extremely privileged to welcome Sri Taj Gyamar sir as our chief guest, the corporator ward number 6 Itanagar Municipal Corporation. And I'm also honored to welcome our honorable guest of honor, Mr. Raju Lodha, president of All Arunachal Pradesh Youth Unemployment Forum. Thank you both, sir, for joining us and giving us your precious time. Okay, so today's event is a small celebration of inaugurating the new and small steps we have taken towards spreading knowledge and hunting the talents. Good evening, one you all. Respected chief guest, honorable Taj Gyamar ji, guest of honor, Gaurav Lodha ji, president AFYUF, and all the colleagues, it's my pleasure to welcome everyone to our beautiful venue, our office. We got this opportunity to welcome all to our new office inaugural of Arunachal Bhasal. And we are very grateful for each of you presence despite of your busy schedule and making time for us. With presence of our honorable chief guest as guest of honors and all the colleagues, hope each of us will get enlightened with our guest of honors and chief guest words. Wishing everyone, all of us, a great evening. Thank you. उससे पहले मैं अरुणाचल हासिल टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहता है कि आप लोग एक नया ऑफिस मिला है. सो सेल्फ एक आप लोग एनजीओ ग्रुप है जो इनिशिएट करके, तो मेरा शुभकामनाएँ साथ में है. तो हिप हॉप इज़ एक एंटरटेनमेंट, एक आपको हील करता है सब डियर. इसका प्रोफेशन, एक एवरी प्रोफेशन का अपना एक कंसीप होता है, अपना एक वे होता है जो अपना एक डेस्टिनी को अचीव करने के लिए. ओवरऑल इट्स फॉर सोशल कॉज. टीम, उनका जो टीम है, जो अरुणाचल हासिल टीम का जो टीम है, जो क्लीन ग्रीन एंड ड्रग्स फ्री प्लास्टिक फ्री अरुणाचल, ये एक बहुत अच्छा कॉज है. सो ऑलरेडी हम लोग गवर्नमेंट साइड से भी ये प्रोग्राम्स चलते रहता है, अवेयरनेस चलते रहता है. सो इन लोग अभी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तरफ से, ग्रुप का साइड से भी इनिशिएट कर रहे हैं. तो हम लोग वही उन लोगों को विश करेगा कि टाइम टू टाइम में स्टेट गवर्नमेंट के साथ में भी आप लोग टच में रहिए,
और हम लोग का यहाँ में IMC है। IMC खास तौर से म्यूनिसिपल का सैनिटेशन पार्ट वर्क जो है क्लीन ग्रीन एंड ड्रग्स फ्री, ये भी हम लोग का सब्जेक्ट है। तो हम लोग ऑफिस में भी चर्चा करेगा इन लोग, ये हसल टीम को भी हम वही बोल रहा है कि इस गुड कॉज जो आप लोग करने जा रहा है। तो इनका ये हिप हॉप इन लोग हसल इन लोग जब इवेंट करता है करेगा, तो इनका जरिए से हम लोग एक प्रोग्राम मैसेज ड्रग्स फ्री का ऊपर में, क्लीन का ऊपर में, ग्रीन का ऊपर में हम लोग समाज को, सोसाइटी को या ईटानगर को, स्टेट को एक मैसेज दे सकते हैं हम लोग यूथ लोगों को। सर जैसे आपने कहा कि अरुणाचल में डे बाई डे मशरूम जैसे यूथ लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग ऑर्गेनाइजर से कनेक्टेड हैं जैसे आपने मेंशन किया। सर आजकल का यूथ इतना अनकम्प्लीटेड हो गया है कि मीन्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है, जैसे आप वर्ल्ड का एक ऑपरेटर के नाते उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आप अपना आप में एक विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंट लाइए, पर्सनलिटी। इट डजेंट मीन कि अनएम्प्लॉय एवरी वन इज़ अनएम्प्लॉय। सो आप एम्प्लॉय खुद को कहीं में इंगेजमेंट कर, दैट्स एम्प्लॉय। नॉट नेसेसरी कि आपको आप गवर्नमेंट सर्विस में ही मिलना है और उसी को ही एम्प्लॉय बोलते, ऐसे नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर्स में यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जीज, खासतौर से यूथ को हम वही सजेस्ट करेगा, आपका पास एनर्जी है, टैलेंट है, स्किल, आप स्किल कोई भी पर्टिकुलर एक स्किल आप उसको थोड़ा सा आप बेसिक्स को ट्रेनिंग लीजिए ना। वी हैव जैसे आप जैसे इलेक्ट्रीशियन का हो ना, या फायर फिटर्स का हो, या आप पेंटर्स का हो, दुनिया भर का ऐसे जो काम है, जो स्किल है, जो आपको एबल करना चाहिए, स्किल ट्रेन करना चाहिए, सो दैट कि आप अपना आपको एम्प्लॉयज में वे में मतलब उसको कन्वर्ट कर सके। आप लोग का मीडिया टेबल वेलकम। ये जो अरुणाचल हसल है, ये हम लोग फर्स्ट एवर अरुणाचल में स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली रिलेटेड टू हसल जो है अभी नेशनल में चल रहा है, दिखा होगा MTV में ना। तो अभी इंडिया में अभी season 2 चल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग भी एक एज ए स्टेट, तो हम लोग अरुणाचल स्टेट में हम ले आना चाहता है कि हसल को, जैसे कि जो भी कोई नेशनल प्रोग्राम होता है तो उसका रिलेटेड का तो हर स्टेट में चलाता है ना, तो इसके लिए हम लोग अरुणाचल में हम उसको चलाने के लिए फर्स्ट एक बार हम लोग अरुणाचल हसल को यहाँ लेके आ रहे हैं। तो मेनली ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग जो अरुणाचल जो हसल इसलिए लेके आए कि हसल जो रैपर्स होता है ये अभी नेशनल लेवल में ये अभी काम करता है, तो उस हिसाब से देखा है तो हम लोग यहाँ में जो दूसरा जो प्रोग्राम होता है वो हम लोग स्टेट में आइदर नेशनल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो हसलर होता है वो उसका टेक्निक ही अलग है, क्योंकि उसको इतना कास का वॉइस का जरूरी नहीं होता है, उसको आपका जो सोच विचार जो थॉट जो अच्छा लेके आता है उसको उन लोग खुद लिरिक्स खुद लिखता है, जो विचार होता है आदमी का, इंसान को किस टाइप का जीना है, किस टाइप का रहना है, और गुस्सा होने से भी अब अच्छा में रहने से भी उसको ये हसलर लोग जो हसल होता है ये लोग ब्रीफ कर सकते हैं थ्रो हसल रैपिंग में ना। तो जो दूसरा अगर रैपिंग को छोड़ के कोई दूसरा सिंगिंग होता है उसको वॉइस क्वालिटी का जरूरत होता है, यह वॉइस क्वालिटी का जरूरत नहीं होता, तो इसलिए रैपर्स हम लोग यहाँ में बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग प्रमोट करने के लिए ये भी एक जो हम लोग अभी NGO उसको अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, तो ये एक NGO हिसाब से जाएगा, ईयरली चलाएगा इसको ना, तो इसके लिए हम लोग अभी हसलर लोग को लेके आ रहे हैं, तो मौका दे रहे हैं, उस हिसाब से हम ये आज स्टार्टिंग किया है।